सो स्टूडेंट्स, हम लोग बीच में कटआउट हो गए थे अभी, उसके बाद में वापस से इसको स्टार्ट कर रहे हैं. सो वी आर अगेन बिगिनिंग वेयर वी लेफ्ट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कंडेंसर. ये जनरली इस कंडेंसर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? स्मॉल पावर प्लांट में यूज करते हैं. वी आर बेसिकली यूजिंग इट इन टू द स्मॉल पावर प्लांट. इट कैन बी यूज वेन It can be used when cooling water is cheaply and easily available. Okay, these condensers are not usually employed since the condensate collected cannot be reused in boiler because it contains the impurities like dust, oil metals, particles, etc. in the condensate. So we are not using these type of the condensate to the large scale. जैसे अपनी छोटी छोटी पावर प्लांट्स होते हैं, तो ये ना कोल्ड स्टेशन या कहीं गया हो तो है ना उसके बाहर की साइड में छत के ऊपर एक कंडेंसर लगा होता है, इसके अंदर पानी गिरता रहता है, अगर किसी ने विजुलाइज किया हो. ठीक है, अगर नहीं किया हो तो किसी भी है ना इंडस्ट्रियल एरिया में जाना, जितने भी कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब इंडस्ट्रीज में बाहर की तरफ या उनके बैक साइड में एक पैनल बना होता है, छत के ऊपर एक है ना कंडेंसर लगा होता है, जिसके अंदर डायरेक्टली वो क्या करते रहते हैं, पानी गिराते रहते हैं, जिसके थ्रू वो क्या होता है, ठंडा होता रहता है उसमें. तो मतलब वो किसका काम करता है, कंडेंसेशन का वर्किंग करता है. ओके, अब इस दैट कंडेंसर के हम लोग डिवाइडेशन देखते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास में लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर. तो इस लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर के अंदर क्या होता है, हमारे पास यहाँ से देखो एग्जॉस्ट स्टीम एंटर कर रही है, यहाँ से हमारे पास कूलिंग वाटर एंटर कर रहा है, फिर दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है. ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पर एक एयर पंप निकालते हैं, जिसके अंदर के थ्रू हम लोग कंडेंसेट एयर और जो हमारा कूलेंट है उन तीनों को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं. जनरली इसकी जो लिमिट होती है और सीएनएस का जो प्रेशर रखा जाता है वो 600 mm ऑफ एचजी तक रखा जाता है, कि एचजी की एचजी कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका प्रेशर 600 mm ऑफ एचजी है. नेक्स्ट बात करते हैं लो लेवल काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में. तो ये लो लेवल काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर एज अ नेम इम्प्लाइज कि यहाँ पर काउंटर फ्लो होने वाला है, मतलब जो हमारा कूलेंट है, जो हमारा कंडेंसेंट है, मतलब कूलेंट जो है हमारा और जो हमारे पास एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है, दोनों को हम लोग किस डायरेक्शन में देने वाले हैं, एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, इसको फ्लो करेंगे एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में. फ्लो करने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ से हमारे पास में तो क्या एंटर कर रहा है, हमारा कूलिंग वाटर जो है वो एंटर कर रहा है. एग्जॉस्ट को एंटर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ से प्रोवाइड करी है स्टीम. देखा जाए तो वो कैसी होती है, जो वेट होता है वेट में हल्की होती है, तो क्या करेगी, अपसाइड मूवमेंट करेगी. बीच में हम लोगों ने क्या लगा दिया, यहाँ पर बैफल प्लेट्स लगा दिए, वाटर को ऊपर से स्प्रे करवाया. ड्यू टू द ग्रेविटी हमारा कंडेंसेंट कूलेंट के साथ में मिक्स होगा, जो भी इसके अंदर एयर अवेलेबल है वो एयर क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी. और इसको कूलिंग करके हम लोग कहाँ लेके आ जाते हैं, हमारे हॉट वेल के अंदर लेके आ जाते हैं. अगर ये ओवरफ्लो हो रहा है तो ओवरफ्लो पाइप को थ्रू हम लोग इसको है ना कहाँ पर भेज देते हैं, वाटर को फीड वापस से हमारे कूलिंग फैन के अंदर भेज देते हैं और यहाँ से हम लोग फीड वाटर निकाल देते हैं कहाँ के लिए, बॉयलर के लिए. ठीक है, तो दिस इज एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है किसके बारे में, लो लेवल कंडेंसर के बारे में. इस कंडेंसर की जो हाइट रखी जाती है अप टू 5.5 मीटर तक रखी जाती है. ओके, नेक्स्ट इज बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर. बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर इसलिए कहा जाता है, अगर इसको कंपेयर करो तुम पहले वाले से, तो देखो यहाँ पर एक पाइप क्रिएट किया गया है जिसकी हाइट जो है मोर देन 10.33 मीटर है. ठीक है, ये 10.33 मीटर से ऊपर का हाइट, ऊपर का पाइप इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम लोग क्या क्रिएट कर सके, एटमोस्फेरिक प्रेशर गैप जो है उसको जनरेट कर सके, मतलब प्रेशर को गैप को जनरेट कर सके. तो इसके अंदर क्या होता है, कंडेंसर शेल इज इंस्टॉल्ड एट द हाइट ग्रेटर देन दैट ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन वाटर कॉलम दैट इज अप्रोक्सीमेट अबाउट 10.33 मीटर. इट अलाउज द कंडेंसेट एंड कूलेंट टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द कंडेंसर अंडर द ग्रेविटी एक्शन, हेंस अ कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप इज नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ पर हमको कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बाकी स्ट्रक्चर सेम, कि यहाँ से हमने एक सर्कुलेटिंग पंप लगाया है, इससे हमारे पास जो भी हमारे पास कूलिंग पॉइंट के अंदर वाटर था उसको हम लोगों ने कहाँ करा, यहाँ स्प्रे करवाया, यहाँ से एग्जॉस्ट स्टीम को एंटर करवाया. ये एग्जॉस्ट स्टीम क्या कर रही है, हमारे पास में अपसाइड मूवमेंट कर रही है और ये वाटर के साथ में क्या होती है, मिक्स करते हुए नीचे आ रही है. ओके, नेक्स्ट इस इजेक्टर कंडेंसर. इस इजेक्टर कंडेंसर के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग नोजल्स का यूज करते हैं. देखो यहाँ से हमारे पास एग्जॉस्ट एंटर कर रही है, यहाँ से हमारे पास कोल्ड वाटर एंटर करा, प्रिंट जुड़ी ना तो जो पढ़ी में लिखे लो वो में कागज लगाओ,
अरे बेटा शांत, वो देखो मुकेश मुकेश और ठीक है, यहाँ से हमारे पास कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसको भेज रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा रखी, कॉलम्स ऑफ क्या लगा रखा है हमने, कन्वर्जन नोजल लगा रखा है, और लास्ट में डायवर्जन नोजल के थ्रू इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक नॉन रिटर्न वॉल्व यूज करते हैं ताकि जो हमारे पास रश ऑफ वाटर फ्रॉम हॉट वेल टू द इंजन इन केस ऑफ कूलिंग वाटर सप्लाई फेल्स ये वापस ना आए हमारे पास में। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फ्लोइंग वाटर इज यूज टू रिमूव द मिक्सचर ऑफ कंडेंसेंट एंड कूलिंग फ्रॉम कंडेंसर विदाउट द यूज ऑफ एक्सट्रैक्शन पंप। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सरफेस कंडेंसर्स। इन सरफेस कंडेंसर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पाइप्स के थ्रू डिफर करते हैं किसको, पाइप्स के थ्रू डिफर करने की कोशिश करते हैं हमारे हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड की, जिससे कि हमारे पास जो कंडेंसेट है वो कैसा रहे, प्योर रहे, और उसको हम वापस से क्या कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है, पाइप्स यूज कर रखे हैं हम लोगों ने, इन पाइप्स के साथ में बफर प्लेट है जो कि इनको क्या प्रोवाइड करवा रही है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रही है, और इन डायरेक्शन प्रोवाइडेड को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। देखते हैं कितने टाइप के हमारे पास सरफेस कंडेंसर होते हैं। फर्स्ट इज डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर, एज द नेम इम्प्लाइज कि हमारे पास जो स्टीम का फ्लो होने वाला है वो किस डायरेक्शन के अंदर होने वाला है, डाउन फ्लो होने वाला है। तो देखो यहाँ से हमारे पास में एग्जॉस्ट स्टीम एंटर हो रही है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या फ्लो करवा रखा है, वाटर फ्लो करवा रखा है, और इन वाटर के फ्लो करवाने के बाद में क्या हो रहा है कि ये स्टीम अपनी हीट किसको देती है, इस वाटर को देती है, और जो हमारा कंडेंसेट है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन पंप से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से हमने वाटर इन करवाया, यहाँ से हमने वाटर आउट करवाया, इन दोनों को हम लोग बीच में सेपरेशन करवा देते हैं किसका, बैपल प्लेट का। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर। यहाँ पर देखो जैसे हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, उस टाइप से हमारे पास वर्किंग होती है कि स्टीम जो होती है वो रेडियली क्या करती है, इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, ऐसे स्टीम मूव करती हुई, स्वर्ल करती हुई। ठीक है, और कंडेंसेट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द शेल फ्रॉम वेयर इट इज टेकन आउट बाय द कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। द स्टीम गेट्स एक्सेस टू द एंटायर पेरीफेरी ऑफ द ट्यूब्स एंड दस अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ फॉर द हीट ट्रांसफर इज अवेलेबल एज कम्पेयर टू द डाउन फ्लो टर्बाइन। यहाँ पर क्या लगी हुई है, टर्बाइन जो है पूरी इसकी कहाँ पर लगी है, पेरीफेरी पर लगी हुई है, दैट्स वाई हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हमको जो सर्फेस एरिया है वो क्या मिल जाएगा, हाई सर्फेस एरिया मिल जाएगा, और एज यू स्टडीज इन टू द हीट ट्रांसफर इफ वी हैव द लार्ज सर्फेस एरिया टू इंटरेक्ट विद द हीट ट्रांसफर वी गेट द बेटर हीट ट्रांसफर। ठीक है, हमारे पास हीट एक्सचेंजर कैसे वर्क करेगा, तो उसके कंपैरिजन में एरिया इंक्रीज करने पर क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो हमारे पास हीट ट्रांसफर क्या होता है, बेटर वे में हो पाता है। नेक्स्ट वन इज द इवेपोरेटिव कंडेंसर। ये इवेपोरेटिव कंडेंसर जो होते हैं इसके अंदर हम लोग जो भी मैं बात कर रहा था आपका वाटर शावर टाइप की, तो उस वाटर शावर के अंदर, अरे अनुज यादव रुक जा, एक्सपेरिमेंट मत किया कर इसके ऊपर, यहां सब दिखता है कौन क्या कर रहा है। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इवेपोरेटिव टाइप ऑफ द कंडेंसर, तो इवेपोरेटिव टाइप ऑफ कंडेंसर्स के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे अभी हमें बात कर रहा था वाटर शावर के बारे में, तो उस वाटर शावर टाइप के पार्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक चैम्बर बना हुआ होता है जिसके अंदर हम लोग है ना स्टीम को ट्यूब्स के अंदर फ्लो करवाते हैं, जैसे ट्यूब्स बनी हुई है तो इसके अंदर हमारे पास ग्रिल्ड ट्यूब्स है, इसके अंदर क्या फ्लो हो रही है, हमारी स्टीम फ्लो हो रही है, और जो हमारे पास कूलिंग वाटर है उस कूलिंग वाटर को थ्रू द पंप हम इसके ऊपर क्या करवाते हैं, यहाँ से स्प्रे करवा देते हैं। ओके, जब ये स्प्रे होता है तो इसके ऊपर क्या करता है, ये इसके ऊपर इस टाइप से स्प्रे होके जाता है, मतलब क्रॉस फ्लो के अंदर ये स्प्रे होता है, और ये क्रॉस फ्लो स्प्रे होने के कारण हमारी जो स्टीम है वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, और इस कूल स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, पंप के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, वापस हमारे पास रीयूज कर लेते हैं। जो वाटर हम लोगों ने स्प्रे करवाया वो वापस से इस पॉन्ड के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम वापस सर्कुलेटिंग के लिए यूज करने लग जाते हैं। एक छोटा सा ड्रॉबैक है इसके अंदर कि जो हम लोग वाटर को इवेपोरेट करवा रहे हैं फिर स्प्रे करवा रहे हैं, तो ड्यू टू द एटमोस्फियर, अगर एटमोस्फेरिक कंडीशन सही नहीं है तो इसके अंदर क्या इकट्ठी होती जाती है, हमारे पास में डस्ट आती जाती है, जो कि हमारे पंप की और जो हमारे स्प्रे है इसकी मेंटेनेंस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। सो फॉर द बेटर कंपनी, जो अच्छी कंपनीज है वो क्या करती है, यहाँ पर एक डिस्टिलेशन प्लांट लगा देती है जो कि इसके अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज है कूलिंग वाटर के अंदर, बेसिकली ये इम्प्योरिटीज क्या होती है, जो कि वो है ना हवा से उड़ के आई हुई है, लाइक सैंड है, लाइक डस्ट पार्टिकल्स हो गए, लाइक पॉलिथीन पेपर समथिंग लाइक, जो कि है ना एटमोस्फेयर में ओपन होकर आ रहा है क्योंकि ये है ना बाहर ओपन साइड में लगा हुआ होता है। ओके,
हेयर सम कंपैरिजन बिटवीन द सरफेस एंड द जेट कंडेंसर, जहां पर हम लोग बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द कंडेंसर. सो कूलिंग वाटर एंड स्टीम्स आर मिक्सअप, वहां पर कूलिंग वाटर एंड स्टीम्स मिक्सअप नहीं होती है. इसको है ना स्मॉल फ्लो सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट है, इसको लार्ज फ्लो सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट है. जो कंडेंसेट है कैन नॉट बी यूज एज अ फीड वाटर टू बॉयलर अनलेस इट इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज. अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग है ना कूलिंग वाटर मिक्स नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटरली यूज कर सकते हैं. मोर पावर इज रिक्वायर्ड फॉर द एयर पंप, यहाँ पर हम बोलते हैं लेस पावर इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर लेस पावर इज रिक्वायर्ड फॉर द एयर पंप, यहाँ पर है ना वाटर पंप के लिए हमको क्या चाहिए, मोर पावर की रिक्वायरमेंट होती है. इट रिक्वायर्स अ लेस क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर, इट रिक्वायर्स अ मोर क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, इसको सरफेस को डिफर डिफर करना है. ठीक है, इस क्लास इसके कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल होता है, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज कि हम लोग यहाँ पर बफर्स भी यूज करने वाले हैं, ट्यूब्स भी यूज करने वाले हैं, उनको सेपरेट करने वाले हैं. हाई कैपेसिटी प्लांट के लिए इसको थोड़ा सा हम लोग है ना लेस यूजेबल करते हैं, क्योंकि इसकी वैक्यूम एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है, जबकि इसकी बात करें तो यहाँ पर वैक्यूम एफिशिएंसी हाई होती है. सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टीम इंजीनियरिंग एंड टुडेज लेक्चर वी आर एंडिंग विद दिस. तो हमारे स्टीम इंजीनियरिंग यहाँ पर आज एंड होता है, जहाँ पर हम लोगों ने डील करा है किसके बारे में, हम लोगों ने डील करा सेवरल स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्टीम कैसे वर्किंग करती है, क्या बॉयलर होता है, और वो जो रैंकाइन साइकिल मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसको मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऐड कर. ठीक है, उसको हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको एंड कर दिया. ओके स्टूडेंट्स.